माननीय अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला सभा के ऊपर आज जो सदन में चर्चा हुई, बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम एक कंसेप्ट के ऊपर तो वो राजी हैं। वो ये कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल उनको मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट से कोई आपत्ति नहीं है। मैं मोटा मोटा इनको बता देता हूं मोहल्ला सभा का सिस्टम क्या है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि ये कह रहे हैं कि पैसा खर्च कैसे होगा, बनेगी कैसे। देखिएगा, मोहल्ला सभा जो है ये डेवलपमेंट फंड, जैसे एमएलए फंड है, एमपी फंड है, या डेवलपमेंट के जो भी काम है पैसा खर्च करने के लिए है। कई लोग इसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आरडब्ल्यू और ये से मिक्स हो जाएगा। आरडब्ल्यू होता है, जैसे कि अभी हमारे एक सदस्य ने बताया कि वो अपने सदस्यों से पैसा इकट्ठा करती है। इसमें लगभग हमने 1000 घरों के ऊपर एक मोहल्ला सभा को बनाने का विचार किया है। 3 से 4 या 5 बूथ होंगे उसके अंदर, और जितने भी उनके अरे मेंबर कौन होगा, उसका मेंबर वो होगा जो भी 18 साल से ऊपर है, जो वोटर है। उसके लिए कोई मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। जो भी नागरिक है उस क्षेत्र का वोटर है, जो भी नागरिक है और उस क्षेत्र का वोटर है उसका मेंबर होगा। इसकी मोहल्ला सभा की मीटिंग 1 महीने में एक बार ही होगी, मैक्सिमम 2 महीने में एक बार ही हो सकती है, और सभी लोग उसके अंदर अलाउड है। ऐसा नहीं कि उसके कोई प्रेजिडेंट होगा, सेक्रेटरी होगा, कोई भी होगा। जितने जैसे यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर इस सदन में इस समय 40 लोग उपस्थित हैं और किसी बिल के ऊपर वोटिंग होती है तो इन 40 लोगों की वोटिंग कहलाएगी, मेंबर चाहे 70 हैं। इसी तरीके से मोहल्ला सभा के अंदर मेंबर बेशक से 3000 या 5000 हैं, अगर उपस्थित 300 लोग हैं या 400 लोग हैं, वो लोग वोटिंग करके फैसला करेंगे, या आपस में सर्वसहमति से फैसला करेंगे हमें क्या काम कराना है, या वो आपस में वोटिंग करके फैसला करेंगे हमें क्या काम कराना है। एक्सपेंडिचर की बात हो रही थी, भाई एक्सपेंडिचर का सिस्टम फाइनल नहीं है। उसके लिए हमने 3 लेवल बनाए थे। जैसे बहुत छोटे मोटे खर्चे हैं, 1000 रुपए का खर्चा, 2000 रुपए का खर्चा, ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं कि मान लो कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है, अब उसका टेंडर करना संभव नहीं है। उसको जो मोहल्ला सभा है वहां पर अपने आप बुलाए, 1000 2000 5000 रुपए तक का खर्चा जो भी है वो उसको बुला के करा लीजिए और अपनी मीटिंग में उसको ओके करा लीजिएगा। उसके बाद हमने दिल्ली के अंदर एमसीडी भी काम कराती है, पीडब्ल्यूडी काम कराती है, जीएसआईडीसी काम कराती है, सब लोग काम कराते हैं, कॉन्ट्रेक्टर्स के थ्रू काम कराते हैं। हमने कॉन्ट्रेक्टर्स को एम्पैनल करने का सिस्टम बनाया था कि कॉन्ट्रेक्टर फिक्स रेट पहले फिक्स कर दिए जाएंगे साल के पहले कि भाई इस काम का ये रेट है, आइटम रेट जिसे कहते हैं। आप कॉन्ट्रेक्टर से वो काम करा लीजिएगा, मोहल्ला सभा उसको ऑर्डर देगी और वो काम करा लेंगे। वो एक लिमिट रखी गई थी, 3-4 लाख तक के काम, 2 लाख के काम, 5 लाख के काम उससे करा सकते हैं, और उससे बड़े अगर काम है तो आप एमसीडी से करा लीजिएगा, पीडब्ल्यूडी से करा लीजिएगा, जो गवर्नमेंट एजेंसी है उनसे करा लीजिएगा। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था कि जिसके अंदर सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया गया हो। हाँ, एक सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज था कि नेताओं की नेतागिरी खत्म होने वाली थी। अभी तक सबको ऐसा लगता है कि वो इमोर्टल है, एक बार नेता बन गए तो सारी जिंदगी वो नेता भी रहेंगे और कभी मरेंगे भी। वो सारी पावर कह के तो लोकतंत्र के नाम से आते हैं, आके पद पे बैठने के बाद अपनी पावर को कोई शेयर नहीं करना चाहता। हमें ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। यहां पर राजा चुनने की पद्धति है जिसमें 5 साल के अंदर एक बार राजा को चुना जाता है और उसके बाद राजा आपको डिक्टेट करता है कि कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है। और ये मुझे इस बात की मतलब आश्चर्य भी है आज जो विजेंद्र गुप्ता जी ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वो पुराने पॉलिटिशियन है और उन्होंने समर्थन कर दिया तो या तो गलती हो गई या आज वो सोच के नहीं आए थे, किसी अच्छे मूड में थे, उन्होंने कर दिया है। नहीं नहीं, मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं सर। मैंने कहा आपने तारीफ की है, मैं आपका तारीफ कर रहा हूं। तो मोहल्ला सभा के लिए, क्योंकि विजेंद्र गुप्ता जी विपक्ष इसके लिए तैयार है, तो मुझे लगता है कि और डेमोक्रेटिकली थ्योरी में ही सही, सारे नेता इसका विरोध थ्योरी में तो बिल्कुल नहीं करते, प्रैक्टिकली सारे विरोध करते हैं ये मैं मानता हूं। हो सकता है आज इन्होंने भाषण, क्योंकि रिकॉर्ड होता है उसकी कॉपीज भी निकल सकती हैं, तो इसलिए होता है इन्होंने इसलिए विरोध ना किया हो। लगता है कि हमारे को जनता के लिए हित में कार्य करना चाहिए, और मैं इनको ओपन ऑफर देता हूं कि भाई आपको जो भी इसमें अमेंडमेंट चाहिए, जो भी आपके सुझाव हैं, सरकार उनको सुनने के लिए तैयार है। आप जितने भी अच्छे सुझाव देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप सुझाव दीजिएगा, हम सबको ओपनली मानेंगे। इसमें होना क्या है, अरे भाई कहीं पर सड़क जरासी टूट गई, अभी आपने बताया कि उसका टेंडर लगने से लेके डूडा से पैसा आने से लेकर आप आखिर में काम होने तक 1 साल लग जाता है। काम कितना है, काम है 50,000 रुपए का, 40,000 रुपए का, उसको कराने में 1 साल का प्रोसेस लग गया। और उससे बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है, सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है, आज
बहुत सारी चीजों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस 50% से लेकर 80% तक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस हैं। सरकार अगर 10 लाख रुपए खर्च करती है तो 8 लाख रुपए तो उनके ऊपर खर्च होते हैं जो उसको करने वाले हैं। सर वो सिस्टम चाहता ही नहीं है ऐसा सिस्टम कभी बने जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नाम की चार्जेज लगभग जीरो हो जाए या 2% रह जाए 1% रह जाए। आज आरडब्ल्यूएस काम करती है बहुत छोटे लेवल पर, एक मतलब सोसाइटी है उसका स्कूल फ्लैट है, सब लोग 200-500 रुपए महीना इकट्ठा करते हैं, 50,000 रुपए इकट्ठे हुए, परंतु एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस में जीरो होता है, किसी को तनख्वाह नहीं मिलती उसके अंदर। अगर वो तनख्वाह देने पे किसी भी डिपार्टमेंट की तरह दो मैनेजर रखने चालू कर दें तो पता लगेगा कि 50,000 रुपए इकट्ठे हुए 2 लाख की सैलरी चली गई। और ऐसा आज भी दिल्ली सरकार के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी, हर जगह पर ऐसा हो रहा है। एक डिपार्टमेंट है हमारे जो साल के अंदर 10-12 लाख रुपए का लोन देता है और उनका तनख्वाहें जो है 40 लाख रुपए कर रहे हैं। अभी सर एक मिनट, आप बोल लेना, बाद में बोल लेना। कर देंगे उसके लिए भी आपके एलजी साहब को चाहिए। देखिए आप बीच में टोका टोकी करेंगे तो मैं कुछ बोल दूंगा आपको, अच्छा नहीं लगेगा। चलिए चलिए सोमनाथ जी, मंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज सोमनाथ जी आप मोहल्ला सभा के अंदर ये भी आया था कि भाई 150 करोड़ रुपए खर्च क्यों, 350 करोड़ रुपए खर्च क्यों नहीं हुए इस साल वाले, जो 350 करोड़ रुपए हैं मैं बड़े रेस्पेक्टफुली बताना चाहूंगा। सोमनाथ जी मैं मंत्री जी को बैठा दूं क्या, सोमनाथ जी मंत्री जी को बैठा दूं, कमा लो। मैं मोस्ट सोमनाथ जी मंत्री जी बोल रहे हैं आप क्यों इरिटेट हो रहे हैं मुझे आप देख क्यों रहे हो उधर सोमनाथ जी, सोमनाथ जी आप क्यों देख रहे हो उधर, अध्यक्ष महोदय मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस साल जो 350 करोड़ रुपए सभी विधानसभाओं के लिए 5-5 करोड़ रुपए मोहल्ला सभा में रखा गया था, लगभग 10 लाख रुपए एक मोहल्ला सभा के लिए, उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हो पाया। उसका कारण यही है कि अभी तक एलजी साहब ने उसकी अनुमति नहीं दी है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी हमारे सदस्य ने भी कहा था, क्योंकि आज मुझे लगता है कि सत्येंद्र जी अगर इसमें एग्री कर रहे हैं तो वो इस काम को तो करा ही देंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट के कामों के अंदर राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए, जनता के कामों के बीच में राजनीति नहीं लानी चाहिए। होता क्या है कि देखिएगा एमसीडी दिल्ली में पहले ही इतनी सारी एजेंसी बनी हुई है, एमसीडी अलग है, डीडी अलग है, दिल्ली सरकार अलग है, सबको एक ही तरह से काम कर रहे हैं, कोई तो काम होता नहीं है। जनता ये कहती है हमें नहीं पता कि एमसीडी अलग है, दिल्ली सरकार अलग है, डीडी अलग है, हमारे को तो काम चाहिए। उसी के लिए सही का निकाला था। अब अगर इस सारा का सारा पैसा एमएलए को दे देंगे, हम मोहल्ला सभा नहीं बनाएंगे, तो सर एमएलए को अपनी डिस्क्रिशन का पावर का यूज करेगा, वो चाहेगा जो उसकी मतलब उसके पीछे घूमेगा उसका काम कर देगा, जो पीछे नहीं घूमेगा नहीं करेगा। तो ये हम ये चाहते हैं कि जनता को एम्पावर किया जाए और स्वराज की जो भावना है हमारे संविधान के अंदर ग्राम सभा बनाने का जो कंसेप्ट था, गांव के अंदर ग्राम सभा और शहरों के अंदर मोहल्ला सभा, वो एक ही बात है। और इसके अंदर टेक्निकली मुझे लगता है टेक्निकलिटी में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है सर, दिल्ली सरकार ने बहुत ही सिंपल सिस्टम बनाया है, इसको लागू कर देना चाहिए। और एक बार 10 लाख रुपए देंगे ठीक से होगा, अगले साल उसको 20 लाख दे, 30 लाख दे, और काम ही आगे बढ़ सकता है, आगे चल सकता है। तो मैं सभी सदन के सदस्यों को सरकार की ओर से कहना चाहूंगा कि सरकार के प्रति कृत संकल्प है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भी इसको अगर अप्रूव कर देते हैं तो हम लोग जल्द से जल्द मोहल्ला सभा के थ्रू दिल्ली के अंदर स्वराज लाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक अपने विधानसभा के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा। मेरी विधानसभा में ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं किया गया था पहले, उसके अंदर मेरी विधानसभा ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों से बनी हुई है। जब मैंने जगह जगह लोगों से डिस्कस किया कि भाई दिल्ली सरकार ऐसा सोच रही है कि हम आपकी मीटिंग में आप फैसला करेंगे
और आप जो फैसला करेंगे वो फाइनल होगा, तो लोगों को विश्वास नहीं होगा। लोग कहते हैं ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता अपनी पावर छोड़ दे। मैंने कहा जी हम लोग यही करने आए थे, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, सिस्टम को चेंज करने के लिए आए हैं, और दिल्ली में अगर ये हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में शायद ये अपने आप ही कॉपी हो जाएगा। मैं सभी से निवेदन करूंगा सब मिलकर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिएगा भ्रष्टाचार का उन्मूलन जितना जरूरी है, उसी तरह से डेमोक्रेसी और स्वराज का कॉन्सेप्ट उतना ही जरूरी है। जितना स्वराज फैलेगा, जितनी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होगी, करप्शन उतना कम होगा। करप्शन को कम करने का ये सबसे अच्छा साधन है। धन्यवाद। जय जयप्रकाश।